फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, अरे ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। दोस्तों, फूलों की बात की जाए, बगीचों की बात की जाए और नेचुरल खूबसूरती की बात की जाए तो पिंजौर का नाम ना आए, ये तो गलत बात है ना। सच कहूँ, अगर आपने कुदरत की खूबसूरती को निहारना है, बगीचों को निहारना है, तो पिंजौर से खूबसूरत जगह कोई और हो नहीं सकती। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक खूबसूरत और अद्भुत जगह को, जिसको कहते हैं पिंजौर गार्डन। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पिंजौर गार्डन में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इसका व्यू, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा और इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें भी आपको पता लगेंगी। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मनुराज। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत वीडियो। पिंजौर गार्डन या यादविंद्रा गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित 17वीं शताब्दी में भारत में बना एक खूबसूरत मुगल गार्डन है। यह गार्डन 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एक पारंपरिक मुगल शैली में बनाया गया है। यह प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए एक सुंदर जगह है। पिंजौर गार्डन को यादविंद्रा गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी हरियाली फवारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से पर्यटक इस मुगल गार्डन को घूमने के लिए आते हैं। पिंजौर शहर को पंचपुरा के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि पांडव अपने वनवास के समय इसी जगह ठहरे थे, जिस वजह से इसे इस नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। इस ऐतिहासिक शहर में मुगल काल व पटियाला शाही खानदान की कई यादें जिंदा हैं, जो पर्यटकों को यहां आने को मजबूर कर देती हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो पिंजौर गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके चचेरे भाई नवाब फिदाई खान ने मिलकर बागीचे के लिए एक डिजाइन बनाया। नवाब फिदाई खान उस समय राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। एक बार जब वह पिंजौर घाटी का दौरा कर रहे थे तो वह इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए, और तभी उन्होंने इस स्थान पर सम्राट औरंगजेब के साथ बने बगीचे के डिजाइन को लागू करने का फैसला किया। सन 1769 में गोरखाओं को पराजित करते हुए पिंजौर के बागानों और उसके आसपास की जमीनों को भुगतान के रूप में पटियाला राज्य को दे दिया गया। सन 1775 में पटियाला राज्य महाराजा अमर सिंह द्वारा शासित था। पिंजौर के अधिग्रहण पर उन्होंने बगीचे के काम को फिर से शुरू करने और इसे और अधिक सुधारने का फैसला किया। सन 1966 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उनके बेटे महाराजा यादविंदर सिंह, जो कि पंजाब के वर्तमान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता थे, ने पिंजौर के बागानों को राष्ट्र को दान कर दिया और पिंजौर गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया। दोस्तों,
पिंजौर गार्डन भारत में टेरिस गार्डन का एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण है, जो कि बैसाखी के दौरान अप्रैल से जून के बीच हर साल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन विशाल स्तर पर करता है। इसमें केवल सुंदर पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि एक मिनी चिड़ियाघर, जापानी बाग, एक शानदार नर्सरी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पिकनिक स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। अगर आप कभी पिंजौर गार्डन जाएं, तो शाम का समय यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद गार्डन में होने वाली रोशनी से गार्डन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोस्तों, पिंजौर गार्डन की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल और सितंबर से दिसंबर तक है, क्योंकि मौसम सुखद रहता है। इसके अलावा यह सुगंधित फूलों और हरे भरे पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ है। इन महीनों के दौरान अधिकांश त्योहार बगीचों में आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें पर्यटक सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं। पिंजौर गार्डन की प्रवेश फीस 25 रुपए प्रति व्यक्ति है और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क है। यहाँ ठहरने के लिए छोटे बड़े होटलों सहित हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग के होटल भी अच्छी सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। चंडीगढ़ के होटलों में भी ठहरकर आप इस शहर के खूबसूरत नजारों का लुफ्त उठा सकते हैं। मेरे साथ हैं धर्मवीर जी, जो यहाँ पर पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि यहाँ पे उनको कैसा लग रहा है। यहाँ दिल्ली का टूरिस्ट गर्मियों में पीक ओवर सीजन होता है हमारा, और 2 साल कोविड की वजह से काम नहीं है। अदरवाइज इस समय गार्डन में बहुत ज़्यादा रश होता है। ओके, बहुत ज़्यादा। सुबह 6 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं, टाइमिंग 7 का है, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। ये जो गार्डन है मुगलों के टाइम का बना हुआ है, 17th century में, 400 साल पुराना है लगभग। हाँ जी, और 7 टेरिस में डिवाइडेड है। हाँ जी, फर्स्ट डाउन डाउन, और फवारे भी लगे। जब पांडव अज्ञातवास के दौरान में हिमालय की तरफ जाते थे और आते थे, तो यहाँ से ही क्रॉस होते थे। हाँ जी, हाँ जी, अज्ञातवास के दौरान। हाँ जी, हाँ, सुना है मैंने कि पांडव जो है हिमालय की तरफ कूच करते थे, तो यही रास्ता, ये रास्ता था। और यहाँ ये लेजेंडरी लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ, इसकी प्रॉपर पूरी डिटेल आपको इसमें से मिल जाएगी। ठीक है जी, ये तो यादविंद्रा गार्डन जैसे महाराजा यादविंद्र के टाइम पे बना, पहले मुगलों के टाइम का, मुगलों के टाइम का बना हुआ है। हाँ जी, उसके बाद रियासतें थी। हाँ जी, रियासतों में बटा, महाराजा पटियाले की रियासत के अंदर आ गया। ठीक है जी, उनके फादर यादविंद्र के फादर थे भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र के लड़के यादविंद्र, यादविंद्र सिंह, तो उनके नाम से ये कागजों में पड़ा हुआ है। अदरवाइज पिंजौर के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको, पिंजौर गार्डन। ठीक है, ये पिंजौर टाउन है। ठीक है, मुगल गार्डन के नाम से सर्च करोगे, हाँ जी, पिंजौर गार्डन करोगे, यादविंद्र गार्डन करोगे, तो पिंजौर टाउन है। इस वजह से पिंजौर गार्डन, यादविंद्र महाराजा पटियाले की रियासत में रहा था, इस वजह से उनका यादविंद्र गार्डन के नाम से चला हुआ है। मुगलों ने बनवाया था, मुगल गार्डन के नाम से जाना हुआ। तो तभी इसके अंदर महल बने हुए हैं, अलग-अलग तरह के महल। पुरानी बिल्डिंग सेंटर वाली फर्स्ट सेकंड फ्लैट, ठीक है, ये मुगलों के टाइम की है और बाउंड्री वाल मुगलों के टाइम। तो दोस्तों, कितना अद्भुत है, कितना निराला है और कितनी खूबसूरती से भरा हुआ है ये पिंजौर गार्डन। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई है, आपको इसकी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सीनरीज दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। महाराजा पटियाला का मुगलों के बाद में यहाँ पर आना और इसको बरकरार रखना उसी तरह से, ये काबिलियत तारीफ है। और अगर आपने पटियाला के ऊपर वीडियो नहीं देखी है जो मैंने बनाई है 10 महाराजाओं के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करिएगा तो वो वीडियो भी आपको दिख जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ इस वीडियो को भरपूर सहयोग दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।